ज्यादातर किसान अपनी जरूरत के अनुसार आलू को उखाड़ने के तुरंत बाद ही बेच देते हैं, लेकिन अगर संभव हो तो आलू की उपज का कुछ हिस्सा कुछ महीनों के लिए रखकर जब बाजार भाव अच्छा हो तब बेचने से किसान अधिक लाभ पा सकते हैं। अपने खाने के लिए भी किसान आलू को अपने घर में सही तरीके से रखकर उनकी सड़न को कम कर सकते हैं। घर पर आलू के भंडारण में कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले बड़े आकार के आलूओं को बेचना या प्रयोग में लाना चाहिए, क्योंकि इसमें अंकुरण सबसे पहले हो जाता है। मध्यम और छोटे आकार के आलूओं का घर में ही उचित तरीके से भंडारण करके किसान घरेलू भंडारण में सड़न से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। मध्यम एवं छोटे आकार के आलू की विधिपूर्वक छटाई के बाद उनका भंडारण करना सही होता है। घर में अगर उचित तरीके से आलू का भंडारण करना हो तो उसे ऐसे स्थानों में रखें जहां घर का जमीन मिट्टी का हो, घर हवादार एवं ठंडा हो तथा वहां रोशनी कम आती हो। घर में अगर मिट्टी का जमीन न हो तो पक्के की फर्श पर भी 1-2 इंच बालू की परत बिछाकर उस पर आलू रख सकते हैं। किसी भी स्थिति में आलू की 4-5 इंच से मोटी परत न बिछाएं और 15 दिनों के अंतराल पर आलूओं को उलट पलट दें और सड़े आलूओं को निकाल दें। जगह की कमी एवं उपज की अधिक मात्रा में भंडारण के लिए बांस के बने साँचों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बांस का स्ट्रक्चर है जो ये 3 रेक है, ये 6 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा का ये रेख बना हुआ है। ये रेख बनाने में 30 फीट वाला लंबा बांस 10 पीस लगेगा और 10 पीस लगेगा रेख तैयार हो जाने के बाद। ये आलू के अलावे प्याज या किसान अपने हिसाब से जो सड़ने वाला है वो इसमें रख सकता है। इसमें एक रेख में कम से कम 2 क्विंटल आलू लेगा तो ये रेख में यहाँ से यहाँ तक आलू नहीं भरेंगे, यहाँ से 10 इंच लगभग इतना भरेंगे। तो ये लगभग तीनों रेख में हम लोग 6 क्विंटल आलू लगभग रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसमें किसान अपने हिसाब से इसका लंबाई और बढ़ा सकता है, चौड़ाई सेम 3 फीट ही रहेगा, इसलिए कि किसान जो अपना इसमें स्टोर करने के लिए जो रखेंगे वो आराम से इधर से भी रख सकते हैं और उधर से घूम के उधर से भी रख सकते हैं। इस तरह के रैक में भी आलूओं को रखने के बाद 15 दिनों के अंतराल पर उसे पलटते रहें और सड़े हुए आलूओं को चुनकर अलग हटा दें। इस प्रकार हम आलू को लगभग 4 से 5 महीने तक रख सकते हैं। इस प्रकार बताई गई विधि से आलू की कोड़ाई एवं भंडारण करके अपनी उपज की अच्छी कीमत पा सकते हैं।